वो देखो वहाँ पे खाना खा रही है। देखो ओके ये देखो आंटियाँ काम कर रही है इनके खेत, किसान चाइना। ये देखो ये छोटा सा घर है भाई, ये देखो एकदम छोटा घर, इतना ही घर है। देखो पानी की नली है, दो ही रूम है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, बंसी बिश्नोई एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल मैं नहीं, ये दीवारें बोल रही हैं कि हम 400 साल पुरानी है। जी हाँ, ये है 400 साल पुराना एक घर पीछे जिसमें मैं रुका हुआ हूँ। और इस घर के आसपास की दीवारें देखो पूरी पत्थरों से बनी हुई। अभी आपको मैं गाँव का भी चक्कर लगाने वाला हूँ, गाँव की दुकानें कैसी होती है, गाँव की गलियाँ कैसी होती है, क्या चाइना और इंडिया के गाँव एक जैसे ही होते हैं, अभी पता करेंगे। देखो इस गेट के अंदर की दीवारें देखो, और ये देखो गेट। इस गेट को देखकर को आपको लगेगा कि यह वास्तव में 400 साल पुराना है। ये लकड़े से बने हुए बीम और उसके ऊपर बना हुआ एक कपाट जैसा कुछ सीन है। ये पूरा गेट है। और ये देखो पूरा, मैं बाहर की ओर चलता हूँ और आपको दिखाऊंगा, जिस जगह पे मैं रुका हूँ वो भी आपको दिखा दूंगा। लेकिन फिलहाल इस गाँव के इस गलियों को देखते हैं और घूमते हैं। ये यहाँ के लोग हैं, हेलो, ये यहाँ के किसान, हेलो निहाओ। ये अंकल जी है, काम करके वापस जा रहे हैं। देखो इनके पास में कुछ है ना, बकेट लगी हुई है। यहाँ पे सारे लोग दुकान भी जाएंगे तो बकेट लेके जाएंगे। और ये पहाड़ों की तरफ जा रहा है रास्ता, ये वाला मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। तो शाम होने से पहले हम गांव की तरफ जाते हैं और गांव की गलियां देखते हैं। यहाँ पूरा स्मार्ट गांव जैसा ही दिखता है भाई साहब। ये देखो ये पुराने कितने घर है, पत्थर से बने हुए, और ऐसे जैसे अपने गांव में होते ना वही सेम पहाड़ों में जो घर होते हैं ना हिमाचल वगैरह में, वैसे ही कुछ है। क्योंकि ये इस तरफ हिमालय है भाई, म्यांमार का बॉर्डर है और सीधा हिमालय की तरफ निकलता है। ये गांव का रिक्शा है कुछ ऐसा। ये दादी है, हेलो निहाओ ये बहुत पुराना गांव है। देखो छोटी छोटी गलियां जा रही हैं। ये देखो इस तरह पत्थर से बना हुआ है। ये कोई ऐसा नहीं है कि टूरिस्ट यहाँ टूरिज्म के लिए अभी बना है, ऐसा नहीं है। ये वाकई बहुत पुराना गाँव है। इसकी दीवारें कोई अभी थोड़ी बनी है, देखो कहीं कहीं तो मिट्टी से। भाई देखो ये मिट्टी है, देखो आपको मैं बताऊं, ये देखो ये हाथ से उखड़ रही है। कैसी मिट्टी है, ऐसी भूरी चिकनी मिट्टी है, तो चिकनी मिट्टी से ये लेप किया हुआ है। ये पुराने घर हैं। और इन्होंने देखो कैसी ये नाल कैसी है, देखो मिट्टी की नालें होती है ना, वैसी नाल है। ऊपर की तरफ वहाँ पे एक देखो लाइट आने के लिए घर में एक ऊपर से कांच लगा देते हैं ताकि घर के अंदर प्रकाश आता रहे। ये देखो भाई ये गली जा रही है, घास उग गई है भाई, बहुत ही बढ़िया गाँव है। गली में चल के ही देखते हैं क्या होता है। पूरा गांव घूम के दिखाएंगे, गांव की दुकानें दिखाएंगे। मैं कल गया था, काफ़ी इंटरेस्टिंग है भाई, एकदम सिमिलर टू अपने गांव में दुकान कैसी होती है, एक बंदा बैठता है, कभी कभी ग्राहक आ जाता है। हम चलेंगे, किसी से बात भी करेंगे। हेलो निहाओ। यार मैं कितना नसीब वाला हूँ कि इस गांव में आने का मुझे मौका मिला, क्योंकि मैं कभी सोच नहीं सकता कि इस जगह पर आऊँ। ये देखो, वाह, सो ब्यूटीफुल गाँव है भाई। ऊपर छत पे देखो पत्थर रखे हुए हैं, सब घरों की डिज़ाइन देखो भाई, क्या खूबसूरत है। इस तरफ देखो रास्ता नीचे की तरफ जा रहा है, अगर इस तरफ जाएंगे तो गलियां और आगे की तरफ जाएगी कंटिन्यू। ये देखो ऐसे ही ना, वो सामने देखो वहाँ पे भी एक गली है, और वो पहाड़ देखो ऊपर, शायद आपको दिख रहा होगा, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। लेट्स गो, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये रियल में किसान ही है भाई, किसान है इसलिए ये टेम्पो वगैरह रखते हैं छोटा मोटा, और उसमें इलेक्ट्रिक वाला टेम्पो रखते हैं, सामान वगैरह लाते हैं। ये देखो इससे दीवार से कुछ बना हुआ सीन है, देखो पूरा पत्थर से ऐसा वैसा फ्रूट वगैरह ऐसा वैसा सीन दिखेगा। तो गाँव बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको रास्ते में जाते हुए, है ना, बहुत शर्मीले लोग होते हैं गाँव के। अब मुझे लगता है कि मैं रात को आया तो उसी जगह पे वापस आ गया हूँ। ये बहुत ज़्यादा हेरिटेज गाँव। ओ भाई साहब, ये तो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, देखो पूरा ही गिर गया। और हर चौराहे पे ऐसे पानी का नल लगा हुआ है, तो वो नल से पानी पी सकते हैं। और रात को मैं यहाँ पर आया था तो यहाँ पर पूजा पाठ हो रहा था, अगरबत्ती कर रहे थे, सब कुछ यहाँ पर हो रहा था। मैं इसी तरफ से आया था, तो ये सब एक धार्मिक स्थल है। ये दुकान है, हेलो निहाओ। ये वाली दुकान है, इधर दुकान है छोटी छोटी। ये दुकानें तो अभी बंद दिख रही है, कल रात को मैं आया तब चालू थी। बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है ये। इस गांव में अगर रात को आप घूमोगे ना तो यहाँ पे ये जो लाइटें लगी है ना, ये पूरी सेंसर वाली लाइटें, ऑटोमेटिक चालू हो जाती है, ऑटोमेटिक बंद हो जाती है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। और पीछे का नज़ारा देखो भाई, क्या खूबसूरत नज़ारा यार। ये एक तो ये पहाड़ी होगी, एक वो पीछे वाली होगी, और वहाँ कहीं से पानी भी आता है। भाई बहुत ज़्यादा खूबसूरत गांव है ये तो। और यहाँ पे भी गेट पे ऐसे लगाते, देखो ये टाइल्स लगी है ना, कुछ राक्षस जैसी मुँह फाड़ के। हम भी लगाते हैं ना अपने घर के बाहर की नज़र ना लग जाए, ऐसा कुछ होता है, तो ऐसा सीन यहाँ पे भी मुझे लग रहा है। और ये देखो, ये चाइना का जो फूल वाला सिस्टम है, ये तो हर जगह होता ही है। ये देखो भाई क्या डिज़ाइन है यार और घरों के ऊपर देखो घास भी उग गई है, तो आप समझिए कि घर पुराना ही है यार। और ये यहाँ पे देखो कितना हैवी, तीन टायर वाला एक गाड़ी है, ऊपर बैठते उसके लिए कुछ भी नहीं। यहाँ के छोटे छोटे गांव बहुत ज़्यादा विकसित हैं, कैमरे लगे हुए हैं, लाइटें ऑटोमेटिक लगी हुई हैं, पानी हर घर में कनेक्शन है, तो हर फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि गांव में नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा विकसित हैं। इस तरफ तो खेतों में रास्ता जा रहा है, तो हम भी चलते हैं खेतों की तरफ। ओ भाई साहब, यहाँ तो मक्की की खेती थी, देखो मक्की तो सब हटा लिया। हेलो निहाओ। ये देखो मक्की ले जा रहे भाई, मक्की का भुट्टा। ये मक्की तो निकाल दिया है और वो मक्की का पीछे का बचा हुआ भुट्टा है वो ले जा रहे हैं। तो ये पूरा मक्की का खेती है देखो, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे देखो मक्की निकाला है ना, वो जगह है। तो हम देखने जाते हैं क्या करते हैं। हेलो निहाओ निहाओ निहाओ। ये देखो भाई, ये मक्की है, ये देखो। ओ भाई साहब, मक्की चाइना में, और ये हाथ से निकालते हैं भाई, क्या बात है। अभी ये बोरी वोरी भर रहे हैं। ये जो निकाल लिया भुट्टा, तो ये सब ऐसे ही पड़ा हुआ है, और ये मक्की सब मुझे लगता है हाथ से निकाल लिए। ये इनका घर है, यहाँ पे कुछ काम कर रहे हैं। अच्छा, वहाँ पे डालते हैं ये मक्की जो है, वो ऐसे ऐसे भुट्टे जो बचे हुए हैं ना, जैसे दाना निकालने के बाद वो इसके बीच में डाल देते, तो खाद का काम करता है। देखो वहाँ पे डाला हुआ आपको दिख रहा होगा शायद, वो आंटी अभी वहीं जाल के डाल रही है। ये घर का तो गेट भी बहुत ज़्यादा महंगा तरीन गेट लगता है भाई। यहाँ पे एक भाई दिख रहे हैं सामने। हेलो निहाओ, स्पीक इंग्लिश ना। तो ये गाँव की मक्कियों की खेती देख लो, सूख गई पूरा। इन्होंने इसको काटा क्यों नहीं है, चार वगैरह तो नहीं काटी कुछ भी। और ये घर एंड हो जाता है भाई। ये देखो आगे तो सब्जियों की खेती है, बस थोड़ा और आगे चलते हैं। ये देखो ये सब्जी वगैरह डाली हुई है, ये पूरा कल्टीवेट कर दिया है। और वो सामने आपको हाईवे दिख रहा है ना, हाईवे के उस तरफ वो लेक दिख रही है, बहुत बड़ी सी लेक है। ये देखो भाई, वो सामने चलता हुआ हाईवे, और वो सामने दिख रहा है आपको पानी, वो लेक है, बहुत बड़ी लेक है। और ये पहाड़ दिख रहे हैं आपको। तो ये डाली शहर के आसपास पूरा ये सीन है, और ये खेती की हुई है, खेतीबाड़ी सब है, वो सब्जियां वगैरह उगाई गई हैं, कुछ ऐसा सीन दिख रहा है भाई। यहाँ के घर देखो भाई बहुत ज़्यादा हाईटेक है। और पीछे का नज़ारा देखो भाई, क्या खूबसूरत नज़ारा यार, वाह। ये किसानों के साधन वगैरह पड़े हुए इधर, मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया यार, क्या जगह पे आया हूँ। वास्तव में ज़बरदस्त लाइफ है यहाँ की तो। ओसम। इधर ट्रैक्टर वगैरह चल रहा है मुझे लगता है, वो देखो ये सब अभी किया कल्टीवेट, तो शायद इधर से ट्रैक्टर आता होगा। तो वही हम भाग्यशाली हैं कि ऐसी ऐसी खूबसूरत जगह देखने को मिल रही है। और ये कितनी मेहनत करे, इतने से छोटे खेत में कम से कम 4 बोरी आसपास मक्की हो गई होगी। तो ये बहुत ज़्यादा मॉडर्न तरीके से मक्की की खेती करते हैं। और सेम सिमिलर, ये देखो दवाई छांटने के डब्बे पड़े ना, पंप, जिसे हम पंप छांटते हैं, दवाई छांटते हैं। ये किसी की बेल है, उसमें कुछ खेतीबाड़ी कर रखी है। तो अभी हम चलते हैं यहाँ से आगे। जैसे ये खेत है, ये खेत, और ये देखो ये मॉडर्न सड़कें, ये मॉडर्न घर, ये घरों की छतें देखिए भाई। और ये इलेक्ट्रिक पोल है, मतलब आलीशान है, आलीशान, क्या ही बताऊँ आपको। ये देखो ये गांव में ये कांच लगा है, जो अपने वहाँ तो कांच लगाते ही तोड़ के फेंक देते हैं, तो ऐसा कुछ नज़ारा है भाई। चलते चलते यहाँ पहुँचे। ये देखो कैसी मॉडर्न गाड़ियाँ हैं, ये बच्चे साइकिल चला रहे हैं। हेलो निहाओ। ये देखो कुछ खेतीबाड़ी कर रखी, वही मक्की के खेती पे कुछ एक बेल वाली खेती कर देते, वो ऊपर चढ़ जाती है। ये देखो ट्रक कैसी है, चाइना के गांव के। हेलो निहाओ, गुड। ये देखो भाई गाड़ी देखो, इसके आगे इंजन लगा रखा है और बेल्ट लगा रखे, और ये गाड़ी ऐसे चलती है। देखो दो आगे व्हील है, दो पीछे व्हील है। इंडू इंडू ये इट्स गुड। ये देखो भाई गाड़ी, देखो भाई क्या खूबसूरत गाड़ी है। सामान उस गाड़ी में से इस गाड़ी में लोड कर रहे हैं। वो देखो आंटी जी कुछ सामान वगैरह लेके घर जा रही हैं। ये वाली कौन सी खेती भाई? मैं देखा तो बहुत जगह है, यहाँ ऐसे ही उग गया, पता नहीं, मुझे तो लग रहा है खेती किया हुआ है। ये देखो ये खेती में फलियाँ कैसी है, ये देखो ऐसी फली है ये वाली। तो इनके खेत है ना बहुत छोटे छोटे हैं भाई, पहाड़ों में तो खेत वैसे ही ऐसे ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे भी वही सीन है। बंगले बहुत ज़बरदस्त हैं, बंगले भी हैं और 400 साल पुराने वाले घर भी हैं, तो दोनों चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। ट्रक देखोगे आपको, कुछ पुराने ट्रक दिखेंगे बहुत ज़्यादा, वो क्या बोलते हैं, मॉडिफाई हैंडमेड ट्रक है, उसमें कुछ नहीं, आगे इंजन लगा दिया, बेल्ट लगा दिया, चलो भाई। तो जुगाड़ टेक्नोलॉजी है बिल्कुल यहाँ पर भी। और ये देखो पूरा घर, और ये माउंटेन पीछे की तरफ पूरा देखते देखते, ये पूरा मक्के का खेत है। और ये देखो मर्सिडीज का, हेलो निहाओ, ये किसान है। देखो भाई किसान है ना, इलेक्ट्रिक गाड़ी लेके घर जा रहे हैं, मतलब खेत में वगैरह जाते हो। ये देखो पानी चल रहा है इधर से, पूरा पानी पहाड़ों से आ रहा है पूरा का पूरा। ये देखो ये छोटा सा घर है भाई, ये देखो एकदम छोटा घर है, इतना ही घर है। देखो पानी की नली है, दो ही रूम है। ये देखो पीछे से मैं घूम के दिखाता हूँ, लेकिन ये यहाँ पे भी मॉडर्न टाइप घर बना है। ये लाइट का मीटर है, और ये देखो बस इतना ही घर है। इस घर का बाथरूम यहाँ पे है, पीछे की तरफ बैक डोर बना हुआ है। पानी का मीटर लगा हुआ है भाई, देखो ऐसे पानी नहीं आ रहा है फोकट में। इस घर का देखो अभी प्लान है इतना, कुछ आगे प्रोग्राम बनाएंगे धीरे धीरे। कल नया साल था तो इन्होंने वो बनाया, अगरबत्तियाँ जलाई है, और इस घर के अंदर कोई होगा अभी। इनका ये देखो छोटा सा टेम्पो है, इलेक्ट्रिक वाला है शायद, हाँ आई थिंक इलेक्ट्रिक वाला ही है यहाँ पे ज़्यादातर। इधर सब छोटा छोटा जो अपने मारवाड़ी में बोलते हैं ना, पा भर के रख दिया है, और बाकी धीरे धीरे मकान करेंगे। ये छोटा सा घर देखो, वाह भाई क्या खूबसूरत घर है यार। छोटा है लेकिन बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत है। इस तरफ देखो बहुत ज़्यादा अच्छा अच्छा यहाँ पे व्यू दिखता है। ये देखो आंटी बाहर आई। एरंडी भी है देखो, एक एरंडी का पौधा भी है देखो, ये वाला। कुछ चीज़ें तो अपने जैसी है भाई, इसका मतलब ये एरंडी वगैरह की खेती तो करते होंगे, तभी तो यहाँ एरंडी का बीज आया। देखो यहाँ पे खूबसूरती का आलम है, ऐसा खूबसूरत है ना। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, जो चीज़ हमारे पास है ना वो इनके पास नहीं है। ये जो सीमेंट की ईंटें, उससे भी दीवार बनाई है और ऊपर पतरा दे रखा है, कि वो चीज़ हमारे पास है वो इनके पास नहीं है। लेकिन ये सड़कें, ये मॉडर्न सब कुछ है, लेकिन एक भी पक्षी नहीं दिखेगा आपको, एक भी पक्षी नहीं दिखेगा। इतना खूबसूरत जगह है, पानी है, हरा भरा, पक्षी क्यों नहीं है? मतलब समझ के बाहर लगता है यार, ये लोगों ने पक्षियों को कहाँ भेज दिया। यहाँ पे मुझे लगता है ठंडी बहुत ज़्यादा होती है, रसिया की तरह ही सीन है यहाँ पे। मतलब सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंडी होती होगी, इसलिए सब कुछ। ये देखो भाई ये कच्चा, मतलब अभी ईंटों से बना हुआ घर है, कपड़े सूख रहे हैं और प्लास्टर नहीं किया है, गाड़ी पड़ी हुई है। अरे दुकान जैसा कुछ सीन है क्या, मंडी जैसा कुछ लग रहा है अंदर। और ये खेत है देखो, कल्टीवेट किए हुए, ट्रैक्टर का यहाँ पे अभी आया होगा ना ट्रैक्टर, ये ट्रक जा रहा है देखो। ओके सीसी, ये देखो दूधी है भाई, दूधी दिख रही है आपको अंदर, दूधी। तो खाना पीना लगभग सेम है। टमाटर भी है इधर देखो, टमाटर है, ये फलियाँ हैं, बहुत कुछ है यार। ये देखो हरी मिर्च भी है, बैंगन है, सब कुछ है इधर। बस ये लोग रोटी नहीं खाते, चावल और सब्जियां खाते हैं, और साथ में थोड़ा बहुत नॉनवेज भी। मैं बात कर रहा था पक्षी नहीं है, एक भी पक्षी नहीं है भाई, ऐसा कैसे हो सकता है यार। तो वही है, यहाँ पे ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ती है, जब सर्दियाँ होती है तो यहाँ पे पूरा बर्फबारी होती होगी, इसलिए यहाँ पे नहीं है। रसिया गया था वहाँ पे भी नहीं था, तो ऐसा ही कुछ सीन होगा यहाँ पे। ये देखो मक्कियाँ पड़ी वहाँ पे, मक्की सूख रही है, बाद में जैसे सूख जाएगी दाना निकाल लेंगे। ये देखो क्या ज़बरदस्त घर है यार, मतलब हैरान कर देते हैं। ये देखो भाई ये किसान काम कर रहे हैं, ये खाद के या किसी के कट्टे लाके डाल दिए हैं, तो स्पेस वाइज डाल दिए हैं। अब इन खोल के ये कर देंगे। तो अभी ये सब तैयार कर रहे हैं खेत किसान चाइना चीन है। निहाओ ये देखो आंटी जी काम कर रहे हैं। पानी यहाँ से चल रहा है, देखो पानी चल रहा है, बहुत ही साफ़ सुथरा पानी है, पूरा माउंटेन से ऊपर से आ रहा है देखो पानी। और ये खेत में काम कर रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ इनके पास जाऊँ यार, इस कट्टे में क्या है, कुछ खाद है। ये देखो आंटियाँ काम कर रही है, इनके पास आया हूँ और ये अभी घास निकाल रहे हैं। उसके बाद ये यहाँ पे कुछ करेंगे खेतीबाड़ी। ये खाद है आई थिंक। ये इसमें क्या है मैं देखता हूँ, शीशा। ये देखो खाद जैसा ही कुछ सीन है। हाँ 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 मैं इंडू 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 इंडुआ 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 निहाओ शीशी। दो ही चीजें आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये दाती है, देखो भाई दाती है, इससे खेती करते हैं। ये ट्रैक देखो। ओके खेत में काम कर रहा हूँ भाई। मैं भी फोटो आप। तो ये ऐसा कोई सीन है भाई, इनसे मिलकर अच्छा लगे। ये भी काफ़ी हंसमुख हैं और बहुत खूबसूरत जगह है यार। ये देखो कितना अच्छा जगह है, यहाँ पे मज़ा आ गया यार। ये गांव की सड़क है, देखो वो लोग जा रहे हैं ना। ये देखो गांव पे वॉकिंग कर रहे हैं ये लोग। और ये पहाड़, ये देखो बादल आ रहे हैं पूरे। वाह हम। ये देखो ये खेतीबाड़ी, ये खेत तैयार कर दिया गया है। वो देखो पूरा कैसे नालियाँ बना के। और यहाँ पे कुछ मुर्गे भी हैं, वो देखो वहाँ पे भी मुर्गे हैं। और ये दादियाँ काम कर रही हैं, ऐसे टोपी पहन के रखती। ओके निहाओ, बाय बाय, थैंक यू, नाइस टू मीट यू, बाय बाय। तो गाँव में आंटियाँ दादियाँ मिल गई थी। बहुत प्यारी दादी है, बहुत ज़्यादा हंसमुख है। यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, बढ़िया मिलनसार लोग हैं। इनके पास बहुत सारे प्रकृति ने दी हुई चीज़ें हैं भाई। पीछे माउंटेन, ये माउंटेन से आता हुआ पानी, ये छोटे छोटे खेत, ये शायद मुझे लगता है किसी और के खेत होते हैं। तो ये काम करते हैं, मुझे ऐसा लगता है, शायद ऐसा ही लग रहा है मुझे। और ये देखो छोटे छोटे यहाँ पे बगीचे लगा रखे हैं, तो कुछ फ्रूट हैं वगैरह हैं। और ये पानी ऐसे ही चलता रहता है। अगर इस तरफ की बात करूँ तो ये देखो यहाँ पे कुछ बैंगन वगैरह की खेती कर रही। बहुत बड़े बड़े बैंगन है भाई, लंबे लंबे। देखो ये पूरा खेत बैंगन का। ये फिर से मक्की का खेत है, वहाँ पे देख रहे हो मक्की पूरी सूख गई है। तो वहाँ पे मक्की तो ले लिया है और ये वाली मक्की अभी पकने वाली है। और सामने जो पहाड़ देख रहे हैं ना, वहाँ पे पहाड़ के ऊपर लाइट के खंभे जा रहे हैं। देखो वहाँ से इलेक्ट्रिक के खंभे बड़े बड़े, तो पहाड़ों को क्रॉस कर रहे होंगे। और ये देखो पीछे का व्यू भाई, बहुत ज़्यादा खूबसूरत गाँव है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत गाँव है। और यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा स्वच्छता मेंटेन करते हैं, बहुत ज़्यादा हर चीज़ सेफ्टी का भी ख्याल रखते हैं। देखो ये जो दीवारें होती हैं ना, इन पे ये लोग हमेशा कारपेट लगा देते हैं ग्रीन वाले। अच्छा भी दिखता है, कोई टकरा जाए तो भी कुछ ज़्यादा नहीं होगा। कितनी अच्छी तरह से इसको उगाया गया बैंगन को। ये जो प्लास्टिक देख रहे हैं ना, ये प्लास्टिक वगैरह ढक देते हैं, तो अंदर पानी टिका रहता है। ये देखो नालियाँ बनी रखी हैं। ये जो पड़ी है ना लकड़ियाँ, ये लकड़ियाँ इनको सहारा देने के लिए काम में लेते हैं। निहाओ निहाओ निहाओ। बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत अच्छे लोग हैं, ये सब काम करते हैं। क्या आलम है यार, मैं बखान करता ही जाऊँ तो भी कम पड़ेगा। ये देखो जितनी स्ट्रीट दिख रही है ना, सारी स्ट्रीट पे पक्की एकदम बढ़िया सीमेंट से डबल लाइन बनी। यहाँ पे बनी है, वहाँ पे बनी, वो गाड़ी जा रही है, वहाँ पे बनी है। चारों तरफ है, मतलब चारों तरफ बढ़िया सी रोड बनी हुई है। और ये साथ में स्ट्रीट लाइट भी लगी हुई है। तो आप समझिए कि गांव का आलम क्या है, गांव का डेवलपमेंट क्या होता है। गांव के पास में ऐसी नालियाँ होनी चाहिए, सड़कें ऊपर होनी चाहिए, गटर लाइन होनी चाहिए, ऐसी लाइटें होनी चाहिए, स्ट्रीट लाइट, गांव के छोटे छोटे खेत, किसान काम करते हुए, और गांव में ऐसा विकास होना चाहिए। प्लास्टिक नामो निशान नहीं है भाई। ये देखो गाड़ी आ रही है, वो जो मैं पहले दिखा रहा था ना वही गाड़ी। ये देखो खाद इन्होंने ला के रख दिया, और ये देखो गाँव खेत, ये देखो ये गाड़ी। ओ भाई साहब आंटी लेके जा रही है, जी लेके जा रहे हैं। अंदर पीछे चाचियाँ बैठी हुई है तीन, तो मुझे लगता है ये मजदूर है, वो इधर काम करने के लिए लाते हैं गाड़ियाँ भर भर के, और ये काम करते हैं। देखो भाई, ये देखो भाई किसान खेत में काम कर रहे हैं। ये खेत पूरा तैयार अभी किया है, ये नालियाँ रखी हैं, बीच में पानी रहेगा, इसके ऊपर पूरा प्लास्टिक लगा दिया जाएगा जब खेती के बीज डाल दिए जाएंगे। ये देखो ये बीज लगा दिए, देखो कितना परफेक्ट तरीके से इसको सेट किया गया है, ऐसे एकदम बढ़िया से हैं। तो ये कुछ सीन बनता है यार, किसान भी कुछ इस तरह से काम करते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से। और ये देखो ये चीज़ें शायद अंदर कुछ काम में लेते हैं, पानी रोकने के लिए या पानी डालने के लिए कुछ। ये देखो पानी अंदर जाने का ये रास्ता है यहाँ पे बना हुआ है, और ये अंकल जी कुछ यहाँ पे पाइप से कर रहे हैं यार, पाइप जा रहे हैं। ये पंप लगा हुआ है, पंप से पानी निहाओ। ये देखो ये पानी ऐसे यहाँ से पंप करते हैं खेत में, और नली से ही पानी भर देते हैं। खेत को ऊपर उठा रखा है। मेरे जैसी ट्रैवलर की जैसी तो टोपी इनके पास भी है, तो ये मॉडर्न किसान है। देखो आंटियाँ सब काम करती हैं, आदमी तो काम करते कोई दिखेंगे ही नहीं। ये देखो वो पानी की पाइप वहाँ पे है, देखो वहाँ से ले करके ये पूरा। ये देखो यहाँ पे आंटियाँ काम कर रही है। वो देखो वहाँ पे खाना खा रही है।